गाइस अभी हमने डिनर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं भाई इंडिया गेट घूमने। मैं अपने ब्रदर्स के साथ जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। जब से इंडिया गेट ही डेवलप हुआ है हम गए नहीं थे ना, तो चलो मैं आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ और घुमाते हैं इंडिया गेट। और ये हमारे बड़े भाई को तो भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं भी वो दिख नहीं रहा वहाँ उससे। अच्छा, इन्होंने ये बनाया कि इस साइड इंडिया गेट, सामने वो राजपथ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं इंडिया गेट पे और हमने कार वही यहीं पार्किंग पे कर दिया है। और हाँ यार, यहाँ पर एक बात हो रहा है, रात के 10 बजे के बाद ना आप कार मतलब पार्किंग जो है वो अलाउड। तो बताना कि गाइस हम गाड़ी पार्किंग भी बताइए और 10 बजे से वाले वाले नहीं 10 बजे वाली बात भी बताइए। और गाइस अभी हम जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से और देखो यहाँ पर लेक के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है ना। और गाइस देखो इस ब्रिज से अभी हम आए हैं और ये लेक बनी हुई है यहाँ पर, कितनी सुंदर लग रही है ना। लाइटनिंग देखो इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है तो उसकी। और अभी हम वहाँ से पार्किंग से आए हैं, ये ब्रिज बना हुआ है और अभी हमें उस साइड जाना है, वहाँ इंडिया गेट है। यहाँ पर ये ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं सीधा इंडिया गेट पार्क करके गाड़ी उधर की साइड से। और गाइस देखो अभी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड रास्ते से, यहाँ पर नया बना है अभी जो इंडिया उसका इंडिया गेट का रीडेवलपमेंट हुआ है ना उसमें। चलो अब चलते हैं। और ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ऐसे ही लगा रखी हैं इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि भाई कैसे इवोल्यूशन हुआ मतलब प्लेस का, पूरे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका। अच्छे से मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो ये पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पर कि पहले कैसे था, उससे पहले कैसे था और डेवलपमेंट करने के बाद इसका भी कैसा हो गया है। ये पूरा एरिया देखो यहाँ पर दिखा रखा है। और ये हम आ गए हैं इंडिया गेट के पास, अभी बिल्कुल फ्रंट से भी आपको दिखाते हैं। और ये कुछ ऐसा माहौल भाई, भीड़ भी बहुत है आज। सो गाइस हम आ चुके हैं इंडिया गेट पे और भाई लाइटनिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पर, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है आज। वैसे इंडिया गेट पे तो यूजुअली भीड़ होती ही है और कल छुट्टी भी है ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। चलो अब यहाँ पर और एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं भी। और गाइज यहाँ पर मैं अपने कजिन ब्रदर्स के साथ, माय बिग ब्रदर गौतम भाई, केशव भाई एंड कार्तिक। और यहाँ पर अभी भाई हम सब घूम रहे हैं और खूब फन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इंडिया गेट को और अच्छे से, और आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे। सो गाइज अभी हमने आगे से वही इंडिया गेट देख लिया, अब हम ऐसे घूम के देखो रोड दिख रहा है ना ऐसे पीछे की साइड जा रहे हैं, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई है तो वो भी आपको दिखाते हैं। और गाइज देखो यहाँ पर लाइट्स इन्होंने कितने अच्छे से लगा रखी हैं, जो सीधा यहाँ पर इनका रिफ्लेक्शन कितना अच्छा आ रहा है, लाइट सेटअप कितने अच्छे से की हुई है, कितना ग्लोइंग कर रहा है इंडिया गेट बिल्कुल अलग अलग कलर्स में वो भी। और लैम्प्स भी देखो यहाँ पर इन्होंने कितने अच्छे लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है नाइट में। यहाँ पर लाइट्स उस साइड भी होंगी दूसरी लाइट्स, कलर्स देखो चेंज हो रहे हैं, ये देखो अभी दूसरा कलर है, ये फिर पिंक थोड़ा ऐसे ही चेंज हो रहे हैं, और ऊपर ट्राई कलर तो है ही, वो तो और बढ़िया लग रहा है। और गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के पास, तो चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से। स्टैचू बिल्कुल इंडिया गेट से थोड़ी आगे ही बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब स्टैचू दूर से भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। देखे।
तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के पास, ये देखो। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू से पहले क्या था। दरअसल ये जो डोम बनाया हुआ है ना यहाँ पर पहले जॉर्ज पंचम फिफ्थ के स्टैचू लगाया गया था, जो ब्रिटेन के किंग थे। बट जैसे कंट्री इंडिपेंडेंस हुई तो भाई उनका स्टैचू नहीं लगा सकते ना, वो तो अब हमारी कंट्री के किंग थोड़ी हैं, वो तो ब्रिटेन के हैं और हम इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, इसलिए उनका स्टैचू हटा दिया गया था। तो काफ़ी टाइम से ये डोम जो है मतलब ऐसी खाली थी जगह, इसलिए अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाया गया है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो वन ऑफ द ब्रिलियंट फ्रीडम फाइटर्स है हमारी कंट्री के लिए, जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारी कंट्री के लिए, और उनका यहाँ स्टैचू लगाना बनता है, जो बहुत अच्छी बात है। और देखो भाई जो इस साइड का गार्डन है भाई, यहाँ पर अभी जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अभी घास वगैरह उगी नहीं है ना, तब उग जाएगी तब और अच्छे से आने देंगे, अभी इस साइड जाना अलाउड नहीं है। गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, भाई आपने देखा था पहले भी यहाँ से पार्किंग से हम इस साइड आए थे ना इंडिया गेट की तरफ, अब इंडिया गेट की साइड से हम वापस उधर जा रहे हैं पार्किंग वाली साइड पे। और गाइस अभी हम अंडरपास से निकल के जा रहे हैं पार्किंग की तरफ घर जाने के लिए, और देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही है ना यहाँ पर खाने पीने की। आप सारा स्ट्रीट फूड यहाँ पर देख सकते हो, चने वगैरह और सारी चीज़ें आप जो पसंद हो आप वो ख़रीद के आराम से खा सकते हो यहाँ पर। गाइज हम भी बचपन में बहुत लेते थे ये चीज़ें जब इंडिया गेट पे आते थे, ये सींग वगैरह बहुत चीज़ें लेते थे यहाँ से जब आते थे बचपन में। और यहाँ पर दोनों लोग खड़े हुए हैं हमारे, बातचीत कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम रुके रास्ते में वही कुछ खाने पीने के लिए, तो चलिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है ना यहीं पर खाते हैं। और गाइस देखो 12 बज चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं डोसा, मसाला डोसा, यहाँ पर है इसका सांभर और ये रहा डोसा, भाई बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलो फटाफट पेट पूजा स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हमने खा लिया है भाई, पेट एकदम फुल हो गया, डोसा मज़ेदार था एकदम। चलो अब चलते हैं घर पर, भाई बहुत लेट हो गया। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे और भाई आज तो बहुत लेट हो गया, 12:30 हो गए। चलो अब जल्दी से चलते हैं घर पे। तो चलो गाइस अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, बहुत नींद आ रही है यार, अब सोएंगे। तो चलो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप आगे ऐसी मेरी अच्छी वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।